हेलो गाइस, सुनीता रेसिपी में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल देसी टमाटर आ रहे हैं। आपको देसी टमाटर धो लेना है और इनको अच्छे से धो के रख के आप दो टुकड़ों में इनको काट के आप इनको धीमी धीमी आंच पे गैस पे पकाइए। ऐसे धीमी धीमी आंच पे आप पका लीजिए इनको और फिर थोड़ा सा नमक चुटकी भर डाल के, काली मिर्च डाल के थोड़ी आप इनको खाइए काट के कटोरी में इस प्रकार से रख के। यकीन मानिए दोस्तों, इनका स्वाद खाने में बहुत ही बेहतर लगता है, बहुत ही अच्छे लगते खाने में। इस प्रकार से आप गैस में आराम से पका लीजिए धीमी आंच पे। जितना ही अच्छे से पक जाएंगे टमाटर हमारे खाने में उतना ही स्वाद रहेगा। देखिए, मैंने भी इनको पका लिया है। गैस की आंच आपको धीमी रखनी है, मीडियम बिल्कुल, जितनी आपकी गैस धीमी हो सके। इनको धीमी धीमी अच्छे से पका लीजिए। एक बार अब इनको टेस्ट करके ज़रूर देखिए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ज़रूर बना कर ट्राई करिए एक बार। कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेती हूँ आपका, थोड़ी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ मैं कि देख के आप लोगों को बोलना हो और आपको नई डिश बना कर दिखा रही होंगी। आप ज़रूर एक बार इसको बनाइए, खाने में इसका टेस्ट यकीन मानिए अब खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, तो मैं तो खा रही हूँ टमाटर को। देखिए, भून के एक टमाटर आप रोज़ खाइए, ये बहुत ही फायदेमंद है। ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। इस तरह से आप पका के खा सकती हैं, चटनी बना सकती हैं इसकी आप। देसी टमाटर ही आप खाइए, इस समय देसी टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं।